जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के एक पुराने पत्र ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। यह पत्र 6 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया था। इसमें सांसद ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में उनके साथी संजय दीक्षित ने उनके साथ जातिवाद किया और उन्हें अपमानित भी किया। सांसद ने लिखा था कि वह समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से आते हैं और उन्होंने विधायक रहते हुए भाजपा को उसके अपर कास्ट माइंड सेट के लिए छोड़ा था। इसी पत्र में सांसद ने लिखा कि उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे के चलते कांग्रेस की सदस्यता ली थी। राकेश राठौर ने लिखा कि वंचित वर्गों के लोग सियासत में इसलिए आते हैं क्योंकि वह अपने समाज के लिए सम्मान चाहते हैं। अगर किसी चुने गए सांसद के साथ ऐसा होता है तो आप कल्पना कीजिए कि पार्टी में दलित, पिछड़े और मुस्लिम कार्यकर्ता कैसे व्यवहार का सामना कर रहे होंगे। सीतापुर सांसद के इस पत्र को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे छोटी घटना बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। यह पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है, इसलिए इस मामले में फैसला उन्हें ही करना है। अपने पत्र में सांसद राकेश राठौर ने लिखा है कि 6 जुलाई को संजय दीक्षित ने उन्हें धक्का दिया और अपमानित किया। बता दें, संजय दीक्षित यूपी कांग्रेस के वार रूम में काम करते हैं। सांसद ने पत्र में कहा कि वह प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पार्टी दफ्तर गए थे, जहां पर संजय दीक्षित अजय राय के साथ ही थे। उन्होंने मुझे अपमानित करते हुए धक्का मारकर कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। सीतापुर सांसद के इस आरोप को लेकर संजय दीक्षित का कहना है कि राकेश राठौर ने उनकी बात को गलत समझा है। जिस कार्यक्रम में हम लोग गए थे, उस एनजीओ की मैनेजर अजय राय और उनके साथ आए दूसरे नेताओं के आने की वजह से प्रसन्न थी और उन्होंने हमसे अपने दफ्तर में मिलने को कहा। सीतापुर सांसद भी साथ में जाना चाहते थे। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सीतापुर सांसद ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि वर्ष 2018 में संजय दीक्षित को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, फिर से उनकी पार्टी में वापसी हुई। कांग्रेस ने संजय दीक्षित के खिलाफ यह कार्रवाई अनुशासनहीनता के एक मामले में की थी और यह तब हुई थी जब उन्होंने बसपा के पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस में शामिल किए जाने का विरोध किया था। सीतापुर सांसद का यह पत्र एक माह बाद चर्चा में आने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।